उसमें अच्छे से भाप नहीं लग रही थी, तो हमने ये छन्ने वाली इसमें तसले में रख दिया है। अब इसमें अच्छे से ये स्टीम हो जाएगा। ऑफिशियल, तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 11 बजे और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो जाती हूँ, पहले हॉस्पिटल से दिखा के आती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो मैं अपना ये स्कार्फ लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ। बहुत जोरों की धूप निकली है, आज आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी विंडो से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ ज़्यादा ही तेज़ रोशनी आ रही क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप निकली है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो फ्रेंड्स, धूप तो काफ़ी तेज़ है, तो चलिए चलते हैं वरना और भी ज़्यादा गर्मी हो। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब चलते हैं हॉस्पिटल के लिए। मेरे साथ जा रही हैं अप्पी, अप्पी और मैं दोनों साथ में ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। ऐसे फेस कवर करके आपको लग ही नहीं रहा कि बोल कौन रहा है। फ्रेंड्स, मैं ही हूँ। तो अभी मैं हॉस्पिटल से घर आ चुकी हूँ, ये रही मेरी दवा। तो फ्रेंड्स, अब चलिए चलते हैं नीचे क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। तो चलिए देखते हैं मम्मी आज क्या बना रही हैं। तो आज मम्मी बनाने वाली हैं बेसन का पनीर। तो फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ मम्मी ने बेसन ले लिया है और यहाँ पानी उबालने के लिए रख दिया है, ये देखिए। ये बेसन में नमक डाल दिया है आधी चम्मच। बेसन कितना लिया मम्मी? 100 ग्राम बेसन ले लिया है। तेल क्या डाल दिया था नीचे? चिपके ना बेसन, बेसन चिपके नहीं, इसलिए इसमें देखिए थोड़ा सा पहले इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। अब ये पानी डालकर इसको कैसे पकौड़ी के तरीके पेस्ट बनाओगी, गाढ़ा गाढ़ा बनाओगी, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगी। तो ये देखिए, टाइट टाइट बेसन का आटा गूंद लिया है। ये देखिए, नीचे से पानी इसमें गर्म हो रहा था और ऊपर से इसके ढक्कन में ये तेल लगा दिया है और ये हमारा बेसन तैयार रखा है। अब देखिए क्या होता है इसके आगे। ये रोटी बना रही है क्या? तो ये देखिए, तेल के ऊपर से इसको रख दिया है। अब ये इसके ऊपर से मम्मी ढक्कन ढक रही हैं। कितनी देर तक मम्मी ये बनेगा? 10 मिनट तक इसको हम ऐसे ढक के रखेंगे, फिर देखेंगे हमारा पनीर कैसा बनता है। उसमें अच्छे से भाप नहीं लग रही थी, तो हमने ये छन्ने वाली इसमें तसले में रख दिया है। अब इसमें अच्छे से ये स्टीम हो जाएगा। बन गया? अरे ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये पूरा बेसन अच्छे से टाइट हो चुका है।
निकाल लो। ये देखिए यहाँ नीचे से पानी की भाप और वहाँ हमारा पनीर तैयार। अब क्या करेंगे? अब हम ये बेसन के पनीर को फ्राई करेंगे। तो ये डाल दिया हमने कढ़ाई पर तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है ना। तो हम पनीर की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पनीर की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए इसके पीस बिल्कुल पनीर के तरीके हैं। ये देखिए ऐसे अंदर से स्पंज हो गया ये। अब हम इसको एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने एक एक पीस उठाकर तेल में छोड़ दिया है। ये रेसिपी मम्मी मेरे पहली बार बना रही हैं, तो हम लोग पहली बार टेस्ट करेंगे कैसा बनता है। ये हमारा बेसन का पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है। तब अब इसे हम बर्तन पे निकाल लेंगे। वो कहाँ है वाली प्लेट? तो ये देखिए इसमें जो तेल बचा था इसमें गरम मसाला, जीरा, बड़ी इलायची और काली मिर्च कूट कर डाल दिया है। अब इसमें हमने मसाला छौंक दिया है। तो ये लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट गया, धनिया पाउडर और बाकी जो पाउडर है वो अभी हम डाल देंगे। तो ये मम्मी डाल रही है अब इसमें हल्दी पाउडर, हल्दी कढ़ाई पर, नमक डाल देंगे हम अपने स्वाद के अनुसार। ये रहा मंगूराम का मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है, तो इसका कलर भी अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो हम ये वाली यूज़ करते हैं। ये देख लीजिए आप देख सकते हैं रेड चिली। आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे और जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो हम ये बेसन का पनीर उसमें ऐड करके ग्रेवी तैयार कर लेंगे और हमारा पनीर रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारी पनीर की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। ये देखिए बिल्कुल पनीर के जैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स खाना पीना यहाँ बनाते बनाते 2 बज गया था और मम्मी ने आज बेसन का पनीर बनाया था, खाकर मज़ा ही आ गया। और यहाँ हो गया था तेज़ बादल तो मैं आई थी यहाँ पर कपड़े उठाने और जैसे ही ऊपर आई तो यहाँ फिर से तेज़ धूप निकल आई थी। तो अभी मैं उसको नहीं उठा रही हूँ, कपड़े सूखने देती हूँ और अब जाऊँगी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि काफ़ी थक गई हूँ पहले। फ्रेंड्स खाना पीना खा के थोड़ी देर सो गई थी और सोने के उठने के बाद यहाँ कुछ गाजर रखी हुई थी क्योंकि आजकल बारिश का टाइम है तो जो गाजर आती है वो एकदम मिट्टी से एकदम लगी हुई होती है, उसमें काफ़ी सारी मिट्टी। तो यहाँ मैंने पानी में इसको फुलो कर रख दिया था। अब इसकी मिट्टी अच्छे से फूल चुकी है, यहाँ मैं ब्रश की हेल्प से इसको साफ कर लेती हूँ। तो गाजर वैसे भी इस टाइम इतनी महंगी है और डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा हेल्दी खाने के लिए भी बोला है क्योंकि काफ़ी वीकनेस आ चुकी है। तभी मैं ये गाजर को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ देखिए गाजर अच्छे से मैंने साफ़ कर ली। अब यहाँ एक टमाटर और गाजर कट करके रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं डायरेक्टली वॉइस ओवर कर रही हूँ और क्योंकि आज मेरा माइक था तो चार्ज करना भूल गई थी, बैटरी लो थी और ब्लॉग आपके साथ टाइम से शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही वॉइस ओवर कर दी थी। तो आई थिंक थोड़ा सा स्लो आपको वॉइस लग रही होगी, अगर ज़्यादा ही कुछ स्लो है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं क्योंकि आप लोग मुझे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, ऐसे मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने सलाद जो सैलड बनाया था उसे खाकर फिर आ गई थी ट्यूशन।
यहाँ हो चुकी है बच्चों की छुट्टी और अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बज चुके हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी लेट हो जाता है और बच्चे इतना मतलब कि मेरे साथ थोड़ा सा अटैच हो गए हैं कि आराम से बैठे रहते हैं, पढ़ाई के बाद थोड़ी देर मस्ती भी कभी कभार कर लेते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ डिनर पर आज बनी है अरहर दाल की खिचड़ी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हमने खिचड़ी खाई डिनर में। हल्का ही डिनर अच्छा रहता है। और यहाँ देखिए रात हो चुकी, पूरा अंधेरा हो चुका है, तो मैंने खिचड़ी खा ली। फ्रेंड्स अब मैं जाती हूँ, कुछ नोट्स मुझे बनाने हैं तो स्टूडेंट्स को, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे निकालने थे, तो यहाँ मैं निकाल लेती हूँ। और अभी रात के बज चुके हैं 11, तो फ्रेंड्स वीडियो एडिट करने में और सब कुछ करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो सुबह से शाम पता भी नहीं चलता कैसे टाइम निकल गया। तो फ्रेंड्स व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और काफ़ी लोग के कमेंट आए थे मैं कौन सा माइक यूज़ करती हूँ, कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ, अगर आपको जानना है कि मैं क्या यूज़ करती हूँ व्लॉग एडिट करने में और कौन सा माइक यूज़ करती हूँ, तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैं कौन कौन से इसमें जो टूल्स हैं वो यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।